देख सकते हो मेरे पास एक कैमरा के लिए जो यूज होती है वो मॉनिटर है, जो कि कैमरा में यूज होती है। देख सकते हो ये मॉनिटर है, टीवी नहीं है, ये मॉनिटर है। देख सकते हो तो हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, आखिर देख लेते हैं फॉल्ट क्या है। इसमें हम लोग लाइन में कनेक्ट कर देते हैं, लाइन दे देते हैं हमने। देख सकते हो लाइन दे दिया, देख सकते हो एक बार चमक के बैठ रहा है। देख सकते हो लाइट आ रहा है फिर जा रहा, देख सकते हो इसका फॉल्ट। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है हम लोग देखेंगे, कंपनी देख के फ़ायदा नहीं है, हम लोगों का रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको कवर को हटाना है, जो कि अभी नया ही है, इसमें सील कट है। तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे, स्क्रू वगैरह खोल लेंगे और इसमें क्लाम्प है, क्लाम्प से उसको रिमूव करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस कवर क्लाम्प था, इसको कवर को खोल दिए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले भी ओपन करेंगे, तो डिस्प्ले ओपन करने के लिए इधर से उठाएंगे तो ये इसका डिस्प्ले निकल जाएगा, देख सकते हो। क्योंकि इधर से हम लोग थोड़ा सा आराम से काम करेंगे, जबकि देख सकते हो ये निकल गया, इधर थोड़ा सा रख देंगे। हम लोगों को ये जो कनेक्टर वगैरह है ये सब सारे सारे खोल देंगे, ये भी कनेक्टर खोल देंगे, क्योंकि हमारा जो फोल्ड है वो पीसीबी में है या पावर सप्लाई में होगा। देखते हैं अभी, देख सकते हो ये हमारा मिल गया, तो इसको साइड रखते हैं। इसमें हम लोगों को जो सबसे पहले पावर चेक करेंगे 12 वोल्ट सही है कि नहीं है, तो इसको भी रहने देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं, मीटर लगा के देखते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट नाप लग गया, हमने टीवी लाइन में कनेक्ट कर दिए हैं। और उसके बाद इस पीसीबी में हम लोग 12 वोल्ट नाप लेते हैं, जो कि देख ले सकते हो इस वाले रेड में प्लस है और यहाँ पे ब्लैक है माइनस है। अरे बीएल ऑन के लिए है, जो बैक लाइट ऑन करवाता है। तो हम लोग देख लेते हैं 12 वोल्ट आ रही कि नहीं आ रही, देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है अभी, क्योंकि इस जगह में 12 वोल्ट है लेकिन कम है, 6-7 ऐसे करके है। थोड़ा सा मीटर कम कर देते हैं, 12.11.1, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, देख सकते हो कम ज़्यादा कर रहा है ये। तो देखेंगे कि सप्लाई का प्रॉब्लम है हमारा, तो इसमें देखेंगे कि आखिर फोल्ड है क्या। तो इस सप्लाई को खोलेंगे हम लोग, तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे स्क्रू से अटकाया हुआ है, वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहा है। तो हम लोग स्क्रू को ओपन करके दिखा रहे हैं, देख सकते हो ये बोर्ड को हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे फोल्ड मिला है कि दो कैपेसिटर हम लोगों को फुल गया है, जो कि इसमें वोल्टेज कितना है देखते हैं, 16 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसमें ईएफ कितना है देखेंगे, 470 ईएफ का कैपेसिटर है, जो कि देख सकते हो इसमें कैपेसिटर फुल गया है। तो एक कैपेसिटर दो हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को जो बैक साइड में केस है उसको निकाल देते हैं, देख सकते हो ये निकल गया। तो ये दो कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो ये दो कैपेसिटर हम लोग निकाल लेते हैं, उनको मदद से निकाल लेंगे हम लोग, ओके निकाल के भी आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। क्योंकि निकल गया है कैपेसिटर एक और एक है, तो दो कैपेसिटर देख सकते हैं। तो ये दो कैपेसिटर है हम लोगों का, जो कि देख सकते हो खराब हो गया है, जो फुल गया है इसका, देख सकते हो इसमें जो कैपेसिटर दो है हमारा फुल गया है, तो ये हम लोग लगाएंगे नया। तो देख सकते हो ये दो खराब कैपेसिटर है मेरा पास, तो इसमें हम लोग अलग पीसीबी से लाए हैं, तो ये दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर हम लोग लगा देंगे इसमें। तो जो जिसमें जिस तरफ साइन बना है वैसे करके लगा देना, जे अगर जैसे करके कैपेसिटर लगाते हैं वैसे लगा देना। तो कैपेसिटर नहीं लगा पाते हैं तो हमारा वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लगा सकते हैं, देख लीजिए कैपेसिटर का वीडियो। तो हम लोग लगा देते हैं इसमें, प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस सिंबल दिया हुआ है, तो ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं कैपेसिटर में, देख सकते हो लग गया है। कितना MFD हम लोग लगाए हैं इसमें, देख सकते हो कैपेसिटर लग गया, सोल्डिंग वगैरह अच्छे से कर देंगे कैपेसिटर को क्लीन करके, हम लोग पीसीबी में लगा के देखेंगे कि ये हमारा पीसीबी चालू होता कि नहीं होता। तो
देख सकते हो इसमें हम लोग लगा दिए कैपेसिटर दो, तो ऐसे करके हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लगा दिए, तो ये दो कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हम लोगों का ये ख़राब हो गया था। तो हम लोग इसमें लाइन देंगे अभी, तो इसमें जो कनेक्टर खोल रखे थे तो ऊपर से ही लगा देंगे अभी चेक करने के लिए, क्योंकि 12 वोल्ट हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे। सबसे पहले हम लाइन में लगा देते, देख सकते हो हमारा इसमें आ गया लाइट। अब हम लोग 12 वोल्ट मेजर कर लेते हैं इसमें कि ठीक है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग प्लस है, ये वाला मैंने देख सकते हो 11.82 जो कि फ्लैक्चुएट कर रहा था, तो ये हमारा सही है। अभी देख लेते हैं थोड़ा देर, तो ये हमारा सही है। तो एक बोर्ड हम फिटिंग करके आप लोगों को जो डिस्प्ले वगैरह लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी, जो कि इसको बंद कर देते हैं। देख सकते हो इसमें जैसे था हम लोग फिटिंग कर दिए, इसमें जो ये दो जो बैक लाइट के लिए ये दो है और जो LVDS कनेक्टर के लिए ये दो है। तो प्लस माइनस देख के लगाना, जो प्लस का है रेड वाला है तो उसमें वहीं लगाना। देख सकते हो इसमें हम दिखा देते हैं कि किधर लगा है, तो देख सकते हो उस तरफ लगा है हमारा। तो ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसमें लाइन देते हैं, दिखाते हैं लाइन देख। तो इसमें हमने पूरा फिटिंग कर लिया है, अब लाइन देखकर आप लोग दिखा देते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया है स्क्रीन फुल इसका, और नो सिग्नल भी आ जाएगा अभी, देख सकते हो नो सिग्नल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये मॉनिटर है इसमें सिग्नल नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा। देख सकते हो नो सिग्नल आ गया है इसमें। देखिए हमने इसको दो कैपेसिटर चेंज करके इसको रिपेयर कर दिया, देख सकते हो इसमें, जो कि ये देख सकते हो ये बंद हो गया क्योंकि इसमें सिग्नल नहीं मिलने से ये बंद हो जाती है।